बिलासपुर में दूसरे दिन भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर विभिन्न संगठनों ने सिट्टू के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर्स ने दूसरे दिन भी जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि जैसे सांसदों और विधायकों के समय समय पर मानदेय वेतन को बढ़ोतरी की जाती है, उनका भी वेतन बढ़ाया जाए। मात्र 1800 रुपए मासिक से इस महंगाई के दौर में उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इस अवसर पर मिड डे मील वर्कर्स ने कहा कि मिड डे मील वर्कर्स स्वच्छ भारत शिक्षित भारत के मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। वहीं सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट भी कम हुआ है, लेकिन उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद इस वर्ग की हालत बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में 1800 रुपए की मासिक आय पर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफ सांसदों और विधायकों को मानदेय वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाती है, तो दूसरी तरफ मेहनत करने वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मुख्य मांगों पर गौर करने का आग्रह किया। उधर आशा वर्कर का धरना प्रदर्शन भी दूसरे दिन जारी रहा। उन्होंने सरकार से 18,000 मासिक वेतन देने, सेवानिवृत्ति के बाद 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने, जीवन रक्षक दवाइयों की किट देने हेतु व अन्य प्रमुख मांगों पर गौर करने की मांग की। और मैं मिड डे मील वर्कर भी हूँ, और मैं ये जो हड़ताल हमारी दो दिन की चली है, सेंटर कॉल है, ऑल इंडिया में ये हड़ताल हो रही है एमडीएम वर्करों की, और मैं भी एमडीएम वर्कर हूँ जो एक दो दिन के हड़ताल में बैठे हैं। हम यहाँ वर्कर सारी रात हम ठंड से ठिठूर में रहे हैं, कोई ओढ़ने के लिए कोई कंबल की व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सरकार के आगे धरना लगा कर बैठे हुए हैं डीसी ऑफिस के सामने। और हमारे वर्करों से पास बहुत बेनियाई कर रही है सरकार, काम हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, पैसे बढ़ाने का नाम नहीं ले रही है, और पैसे काम बढ़ाने की कोशिश इतनी कर रखी है कि जैसे बोलते हैं कि 4 घंटे का काम है, काम हम हमारे से 6-6 घंटे ले रहे हैं, और वेतन हमारा 60 रुपये है, 30 रुपये दे रही है सेंटर सरकार। जो भी हमने ये 30 रुपये आगे बढ़ाए हैं सरकार से, ये अपने बलबूते पर और अपनी जो संघर्ष किया उसके बलबूते पर बढ़ाए गए हैं। सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं, अगर पैसा बढ़ाना है, अगर काम बढ़ाना है तो दाम भी बढ़ाओ, काम के बदले दाम दो, और अगर ये दाम नहीं देते तो हम सड़क पर उतर जाएंगी। सारी महिलाओं ने ये कसम खा ली है, एमडीएम जो भी वर्कर हैं वो बोलते हैं अगर हमारी सरकार कोई भी मांगे पूरी नहीं कर रही है, ये जो दो दिन की हड़ताल है इस हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक कहे हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। हम सरकार से यही झंडा उठाकर वादा करते हैं कि हमारे जो आगे 3-4 महीने बचे हैं, अगर इसमें अपनी कुर्सी को बचाना है तो बचा लो, नहीं बचाना तो हम डंडा लेकर सड़कों में उतर जाएंगे। और सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी मांगे जो है, ज़्यादा मांगे तो हमने रखी नहीं, 3-4 मांगे रखी हैं, इनको पूरी कर दो, नहीं तो हम आपको दिखा देंगे कि कुर्सी का क्या जलवा होता है, और कुर्सी का आपको कितना अभिमान है, उस कुर्सी को भी हम नीचे कुर्सी से नीचे उतार सकते हैं अगर हमारी मांगे नहीं माननी। ऐसा नहीं समझना नहीं कि छोटे वर्कर हैं और छोटा सा परिवार है और थोड़ी सी ये महिलाएं हैं, क्योंकि हिमाचल में ही 26,000 वर्कर हैं, 26,000 परिवार भी है, इनमें कितने वोटे बनते हैं सरकार को देखना चाहिए। मैं मिल वर्कर हूँ, और हमारी मांगे सरकार से है कि 25 बच्चों वाली जो सड़क रखी हुई है पहले उसको बंद किया जाए, और हमें 18,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन बनता है वो दिया जाए, तथा हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और साथ में जो प्री नर्सरी स्कूल जोड़े गए हैं उनमें अलग से स्टाफ होना चाहिए और अलग से वर्कर रखा जाए। हमारी हड़ताल जो है वो कल से शुरू हुई है और आज तक चली हुई है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हो सकता है कि हम इस हड़ताल को कंटिन्यू करके रखें।